1659 में औरंगजेब ने उत्तराधिकार की लड़ाई में अपने भाई दारा शिकोह का कत्ल करवा कर उसकी बीबी उदयपुरी बेगम को अपनी रखेल बना लिया। लेकिन जल्द ही उदयपुरी ने अपने स्वभाव से औरंगजेब को अपना गुलाम बना लिया और उसकी बेगम बन बैठी। ये वही उदयपुरी बेगम है जो हर अभियान में औरंगजेब के साथ खड़ी रहती थी। कहते हैं औरंगजेब पर उदयपुरी का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वो उसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। जीवन के आखिरी दिनों में बेगम उदयपुरी ने औरंगजेब की काफी सेवा की और औरंगजेब के मौत के महीने भर बाद ही उनकी भी मौत हो गई। आइए जानते हैं कौन थी बेगम उदयपुरी। बेगम उदयपुरी एक जॉर्जियन स्लेव डांसर थी जिसे दारा शिकोह अपने हरम की रखेल बनाकर रखा था। बाद में दारा ने उससे शादी कर ली। दारा की मौत के बाद औरंगजेब ने उसे अपनी रखेल बना लिया, लेकिन जल्द ही उसे अपनी बेगम भी बना लिया। बेगम उदयपुरी ने इसे अपनी नियति मान लिया और औरंगजेब के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। हालांकि औरंगजेब भी शायद अपनी इस बेगम को प्यार करता था, लेकिन जब बेटे कामबख्श से नाराज होता तो उसे नाचने वाली की औलाद कहकर अपनी नाराजगी जाहिर करता। बावजूद इसके औरंगजेब उदयपुरी के प्रभाव के कारण कामबख्श को ही अपना वारिस बनाना चाहता था। खैर, मौत से पहले औरंगजेब ने कामबख्श को लिखे पत्र में उसके बाद बेगम का ध्यान रखने को कहा था। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। इसका बेगम के मन पर गहरा असर पड़ा और जल्द ही वो भी दुनिया को अलविदा कह गई। उसकी मौत के समय कामबख्श उत्तराधिकार की लड़ाई में उलझा हुआ था। बहादुर शाह औरंगजेब की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उनका अनितिम संस्कार भी किया।